हर इंसान के पास बचपन की कुछ ऐसी यादें और कहानियाँ ज़रूर होती हैं जिन्हें याद कर हम बड़े होने पर खूब हंसते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे याद कर कर वो आज भी खूब हंसती हैं। इसका खुलासा उन्होंने एक बार कपिल शर्मा के शो में किया था। ये उन दिनों की बात है जब प्रियंका चोपड़ा थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। प्रियंका ने कपिल शर्मा को शो में बताया कि क्लास थर्ड में जब वो थी तो लखनऊ में हमारे स्कूल के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे, तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होकर पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी। वो मुझे बहुत फनी लगी और मैं वहाँ खड़े होकर उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं हंसते हुए कह रही थी, हाँ देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। तभी वो नीचे आई और उसने मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। वैसे आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा का नाम आज दुनिया की टॉप एक्ट्रेस में गिना जाता है।